very well. He's an extrovert. I'm an extrovert. He's an introvert. Okay, he's an extrovert. Sir, can you please tell us? Tarangan Janabeli, how are you guys? I'm standing here at this moment. लीडरशिप भाई यहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है तो इसका प्रोजेक्ट आपको हम बाद में दिखाते हैं। ये देखें हमारे मिसबा सर, ये हमारे मिसबा सर बैठे हैं। तो भाई हमें जो है यहाँ पर एक बड़ी प्यारी शख्सियत मिल गई है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? इधर बड़ा एक प्यारा सर हम लोग को जो है इनिशिएटिव देने लगे हैं, क्या है ये? असल में जो रिसोर्सेज ज़ाया होते हैं उनको इस्तेमाल में लाते हुए हम कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं। ओके, पाकिस्तान यूथ लीडरशिप इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्च हुआ है आज, ब्रिटिश काउंसिल उसको स्पॉन्सर कर रहा है। ब्रिटिश काउंसिल कुछ मालूम मिली और आखिर में कुछ डब्बे भी मिलने वाले हैं मेरे ख्याल से। भाई हमारे मिसबा सर, आप लोग बड़ा मिस कर रहे थे मिसबा सर को। सर आपको बड़ा मिस किया लोगों ने। कहाँ? ये यूट्यूब पे कमेंट आए हैं प्रॉपर कि मिसबा सर क्यों नहीं आ रहे आपके व्लॉग्स में। मैं आपको दिखाऊँगा सर, आए मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊँगा। The really exciting British Council person I think is following me because we have our global chairman, Dr. This is my first trip, my first official overseas engagement with the भाई। ये इंसान खड़ा हुआ है, इसने जो है हेडफोन भी पहने हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर, हमारे टीचर। अच्छा, मिसबा साहब उनके पीछे हैं, डॉक्टर फरहान साहब। अच्छा, डॉक्टर फरहान साहब, डॉक्टर फरहान साहब इसके पीछे हैं, उनके पीछे पता नहीं कौन है, मुझे नाम नहीं पता। पीछे पीछे लाइंस जा रही हैं यार। और ये देखें, आपको सबके नाम लेने की जरूरत नहीं है। बड़ी आपको एक मजे की बात बताता हूँ। अच्छा, देखें पूरी यूनिवर्सिटी को रैंडम बिठाया उन्होंने, ठीक है। अच्छा, और रिफा से इतनी मोहब्बत है उनको, उन्होंने कहा रिफा को तो मैं रेलगाड़ी की तरह बैठूंगा। ये सारे स्टूडेंट ये लाइन से आप देख रहे हैं आखिर तक, ये रेलगाड़ी जो है ये रिफा की है। और सबसे फ्रंट पे हमारे मिसबा भाई, ये ड्राइवर है। में कहा जाए तो दीवार से लगा है। कैसा लगा मेरा मजाक? अच्छा मिसबा भाई, आपके लोग जो हैं वो शेर जो है ना, आपके पोइट्री जो है उसके बड़ा मुंतजर हैं। वो मैंने रिकॉर्ड किए शेर मिसबा साहब के, दो नहीं एक शेर मेरे लिए भी, मेरे लिए, मेरी आवाम के लिए भी। वैसे यहाँ तो लगता है कि ऐसा शेर कहने को जी चाहता है। अच्छा, कौन सा वाला शेर था? मैं आवाज़ दूंगा। हाँ, वही आवाज़ मैंने आवाज़ तुम्हें दी है। अच्छा, बड़े लाट के साथ, बड़े लाट के साथ तुम फिर भी नहीं आए। माड़ी गाते सुनवा उठा ले रे देवा। अच्छा मैं मिसबा भाई का जब इंटरप्ट करता हूँ ना सर, ऐसे करता हूँ, मेरी बैंड गलत है सुन। अच्छा एक मिनट भाई, शेर हो रहा है यार। मैंने आवाज़ तुझे दी है बड़े लाट के साथ। अच्छा, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। मैंने आवाज़ तुम्हें दी है जी भाई, दिलों के लिए, टूटे हुए दिलों के लिए। चुना है तुमने मुझे अपनी जिंदगी के दामन में। ओके, चुना है तुमने मुझे अपनी जिंदगी के दामन में। अच्छा, मुझे लोग तेरा इंतखाब कहते हैं। ये सर एंड कर दिया आप। तीन शेरों को इतना रगड़ा दिया। आपने क्यों दिया? वो बस में भी उतरते भी नहीं। वाह 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 भाई, क्या बात है। तो भाईजान यहाँ पर जो है सीन पार्ट जो है वो चुट्टी तो नहीं।
होगी छुट्टी नहीं होगी भाई, अभी जो है हम लोग को ये लोग लंच के लिए लेके जा रहे हैं। एच ई सी वाले जो हैं उन लोगों ने भाई को जो है वो भाई हम लोग को इनवाइट किया हुआ, ऐसा भी कोई चक्कर नहीं है यार। ये फूल वगैरह किसके लिए थे भाई? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है trying to help Pakistan combat climate change. We think the way to do that is help young people who are the future of this country succeed, give them the tools, supply some resources, some training, because Pakistan's future is all of you. Thank you. मेरे पीछे देख रहे होंगे कौन सी बिल्डिंग है भाई, एच ई सी की बिल्डिंग है। एच ई सी में भाई एच ई सी वालों ने जो है आज आपके भाई को एच ई सी वालों ने जो है हमें इनवाइट किया हुआ था और इनविटेड एच ई सी की बिल्डिंग है। यहाँ पर पाकिस्तान यूथ लीडरशिप इनिशिएटिव प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, जिसके अंदर जो है ये बताया गया कि यूथ को जो है किस तरह से लीडरशिप क्वालिटीज दी जाएँ और किस तरह से जो है बाहर के स्कोप फॉरेन स्टडीज़ के बारे में बहुत बताया गया भाई। अभी जो है तो भाई थोड़ा बताओ यार क्या हो रही है? हमारा हो गया ज़बरदस्त किस्म का लेवल हो गया ना सर, सर 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 इन भाई ने हमें जो हॉटस्पॉट दिए बड़ा मुझे एंटरटेन रखा वरना मैं बोर हो जाता। अच्छा क्या कह रहे थे कुछ समझ? वाह भाई हॉटस्पॉट देते हैं भाई, यहाँ बैठ के भाई ने बेहतरीन हॉटस्पॉट दिया अपना। चले भाई फ्रेम से आओ यार, ये गलत बात है ये। अच्छा इन भाई को लाओ भाई फ्रेम में। जी अस्सलाम सलाम, क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? कुछ बताओ थोड़ा इन्फॉर्मेशन दो आवाम को। नहीं सच वाला मिसबा भाई, सर हम इधर ही हैं सर। को खाना शाना देने क्या चक्कर जो है? मैं आप लोगों को सीरियस थोड़ी सी सीरियस बातें भी हो जाए भाई, थोड़ा सा सीरियस बातें हो जाए। एच एस सी वालों ने हमें इनवाइट किया था यहाँ पे पाकिस्तान यूथ लीडरशिप का जो प्रोजेक्ट है आज उसका लॉन्च है, तो हम यहाँ पे उसके लिए आए हैं भाई। यहाँ पर जो है वो खाना हो रहा है और तो भाई जान यहाँ पर जो है वो खाने वगैरह का भी तो बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया गया था। यहाँ पर जो है हम लोग को खाना भी मिल चुका है मिसबा भाई, खाना खोलते हुए और खाना खुल गया। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है भाई, फ्रेंच फ्राइज अच्छा है। अच्छा इसी पे शुरू कर देते हैं, यहीं पे शुरू कर देते हैं भाई जान। यहाँ पर जो है वो एच ई सी ने हम लोग को जो है वो खाना वगैरह भी दिया। यहाँ पर अभी हम लोग लंच करते हैं, उसके बाद हम लोग एक और इवेंट में चलेंगे। फिलहाल उसके बाद फिर आपको हम बताते हैं अगला क्या सीन है। एक और इवेंट है वहाँ पर जाना है आज, एक ही दिन दो इवेंट्स हैं। एक तो एच ई सी ने इन्वाइट किया हुआ था आपके भाई को, फिर भाई आपके भाई को एच ई सी ने इन्वाइट किया हुआ था। आप लोग फिर ऐसे समझते हो यार कोई चक्कर नहीं है। अच्छा हमको सिखा रही हूँ तो सीरियस मोड बताऊँ, यूनिवर्सिटी से 15 स्टूडेंट्स 10 स्टूडेंट्स जो थे वो सिलेक्ट हुए हैं, उनमें से आपका भाई भी था। और एच ई सी ने हम लोग को इन्वाइट किया था पाकिस्तान यूथ लीडरशिप इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के लिए। तो अभी फिर एक और जगह चल भाई, दिस इज द मार्गला हॉल भाई जान। यहाँ का ये सीन है कि यहाँ पर हो रहा है इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो। एच ई सी वालों ने जो है हम लोग को यहाँ पर भेजा है, मतलब हम लोग उनके थ्रू इस जगह पर आए हैं, इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो हो रहा This initiative from Education Malaysia to promote private Malaysian university to all Pakistani students. Because we have a very good relationship between Malaysia and Pakistan, so we want to give the opportunity to for Pakistani student to grab this opportunity, especially the scholarship, the qualification, the academics in Malaysia. And it's very important nowadays to study abroad, and it's very very difficult. So, but we are very thankful to Malaysians that thank it's done to that. Thank you, sir. Can I have and now Malaysian. Malaysia.
Arbab Ahmed. We have a cool gentleman here, Arbab Ahmed. Please subscribe to his channel, Arbab Ahmed. I make vlogs. Huh? Vlogs. And vlogs. Vlogs, video vlogs. Go with the flow. So feel free to visit his channel and check out for more for his video vlogs. An amazing gentleman. Thank you. Sure, sure. It's very, very kind of you that you have asked about my channel. Let's explore your channels again. Thank you. Malaysia bole. Government and management. Malaysia bole. Pakistan zindabad. Malaysia bole and Pakistan zindabad, bhaijaan. Hum log ne jo hai yahan pe ek seekha hai ki Pakistan ko hum zindabad kehte hain aur Malaysia bole kehte hain. To ye sun.